जैन साथियों, रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSP की जो TGT की वैकेंसी है उसके बारे में। DSSP की तरफ से जो TGT वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी फुल डिटेल प्रक्रिया आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि सभी साथियों को पता होगा कि अभी DSSP की तरफ से बहुत सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, जिसमें पहले कुछ ही दिन पहले आपका सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें थी उनके लिए 3,000+ वैकेंसियों के लिए आपका नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद आपका जो नर्सरी के टीचर होते हैं, 1,400+ वैकेंसी नर्सरी की निकली थी। उसके बाद PGT की कुछ वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो फिलहाल में इस समय ऑनलाइन अप्लाई उनके लिए चल रहे हैं। तो अब बारी है आपकी TGT की। तो TGT की जो कि वैकेंसी, उन काफी समय से हम जो अनुमान लगा रहे थे कि काफी अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है TGT के अंदर, तो वैकेंसी बहुत अच्छी तरह से अपनी आ चुकी है और उनकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो कब से आप उसके लिए ऑनलाइन कर पाएंगे, ये सारी चीजें आज इसमें जानने वाले हैं। और किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज पोस्ट की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। टोटल पोस्ट आपको पता होगा 5,000+ पोस्टें निकली हैं। तो सारी जानकारी, किस एज कैटेगरी के कैंडिडेट साथी हमारे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपका सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें आपका इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगी, आशा करते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए, DSSP जो है आपका बोर्ड है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसकी तरफ से TGT का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन उसका नहीं जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपकी ऑनलाइन एग्जाम डेट और कितनी पोस्ट सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है ये सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पहले तो आपका जो एग्जाम और जो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है फॉर्म, वो आपका 8 फरवरी से होगा। 8 फरवरी से 8 मार्च तक, यानी कि लगभग आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का। 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो DSSP एक ऐसा मात्र बोर्ड है जिसके अंदर किसी भी पोस्ट की वैकेंसी हो, चाहे वो ग्रुप ए लेवल की हो, ग्रुप बी लेवल की हो या ग्रुप सी की हो, सभी के लिए बराबर फीस रखी जाती है। यहाँ स्टेट वाइज कोई ऐसा नहीं है जैसे यूपी में होता है कि ग्रुप ए की पोस्ट है तो उसके लिए हाई फीस रखी जाएगी एग्जाम फीस या लो फीस रखी जाएगी। या किसी भी प्रकार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहो, चाहे TGT वैकेंसी हो, शिक्षक की वैकेंसी हो या ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसी हो, सभी के लिए बराबर फीस जो है एग्जाम ऑनलाइन फीस ली जाती है। तो मात्र 100 रुपए एग्जाम की जो ऑनलाइन एग्जाम की फीस है वो 100 रुपए आपसे पे कराई जाएगी जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय। आप अगर OBC जनरल और SC कैंडिडेट है तब, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेट की बात कि एग्जाम जो हमारा ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है किस डेट से है, तो 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 5,100+ वैकेंसी है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां आपकी निकली हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें मैथ की, तो जो हमारी मैथ की पोस्ट है वो भी मैं आपको फीमेल और आपकी जो है मेल कैंडिडेट की अलग अलग बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर TGT की हम बात करें, TGT मैथ कैंडिडेट की, तो मैथ में आपकी टोटल पोस्ट में बता रहा हूँ जो है आपकी मेल कैंडिडेट की 540 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट की जो है आपकी वो 568 पोस्ट है, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत। और अगर हम म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें या MCT के अंतर्गत बात करें, तो MCT में आपकी टोटल 11 पोस्ट है, ठीक है। तो वहां पर जो MCD बोर्ड है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में पोस्ट है, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम में हमारा ये नोटिस जो है भर्ती का पड़ा हुआ है, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं। इसके बाद हम बात करें, अगली पोस्ट है TGT इंग्लिश। तो TGT इंग्लिश में आपकी अगर मेल की बात करें तो 413 पोस्ट है और फीमेल की बात करें तो 379 पोस्ट है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 413 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी 379 पोस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं TGT सोशल साइंस, अगर TGT सोशल साइंस यानी कि SST की बात करें, जो SST के टीचर होते हैं उनकी वैकेंसी कितनी है, तो मेल कैंडिडेट की उनकी 129 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की 179 वैकेंसी है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसी निकली है वो फीमेल कैंडिडेट की ज्यादा है और मेल की कम है।
ठीक है, तो मेल के यहाँ जो फीमेल है, फीमेल के यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन टफ नहीं रहने वाला है, बहुत कम कंपटीशन फीमेल के लिए देखने को मिलेगा क्योंकि फीमेल की वैकेंसी ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे टीजीटी जो आपकी नेचुरल साइंस की, तो नेचुरल साइंस में आपकी जो पोस्ट है मेल कैंडिडेट की है 183 और फीमेल कैंडिडेट की 166 पोस्ट है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है आपकी वो बात कर लेते हैं हम टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी में आपकी 75 पोस्ट है मेल की और फीमेल की 110 पोस्ट है। इसके बाद संस्कृत में आपकी 477 पोस्ट मेल कैंडिडेट और आपका जो है फीमेल कैंडिडेट 141 पोस्ट। तो संस्कृत वालों के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिल रहा है आपको, 477 पोस्ट मेल कैंडिडेट की हैं और आपकी 141 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट की हैं। तो संस्कृत वालों का बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन है, आसानी से हो जाता है क्योंकि कंपटीशन इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही कम रहता है। इसके बाद हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू में आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो 265 है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की 356। तो उर्दू में भी यहाँ बहुत अच्छा, उर्दू वालों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है क्योंकि उर्दू की कंपटीशन जो है बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद बात करें पंजाबी लैंग्वेज, तो उसमें 248 वैकेंसी मेल के लिए है और फीमेल के लिए 307 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद ड्रॉइंग टीचर की बात करें तो ड्रॉइंग टीचर में आपकी 587 पोस्ट है, 587 पोस्ट है फीमेल और मेल दोनों के लिए कंबाइंड पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो ये थी आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज मैंने जो आपकी जानकारी दी, पोस्ट वाइज ये जो आपका अलग अलग फीमेल और कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो इतने सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए इन सभी सब्जेक्ट के अंदर ये पोस्ट निकाली गई है। इसमें आपका मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया आपका, और फिजिकल जो आपका नेचुरल साइंस होता है उसकी पोस्ट है, संस्कृत की पोस्ट है, हिंदी की पोस्ट है, पंजाबी लैंग्वेज की पोस्ट है, उर्दू की पोस्ट है और आपकी ड्रॉइंग टीचर की पोस्ट है। इतनी पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। ठीक है, तो अच्छी खासी मात्रा में पोस्ट आपको देखने को मिल रही है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। सर्वाधिक अगर बात करें तो यहाँ पे दो अगर आप दो सब्जेक्ट से आप टीजीटी हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है, एक तो उर्दू वालों के लिए और एक संस्कृत वालों के लिए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट का जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अगर आप संस्कृत से टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप जो है उर्दू से देना चाहते हैं तो आपको बहुत आसान कंपटीशन है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए और बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम ये आशा करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे साथियों की जो है एक इंक्वायरी होगी, क्वेश्चन होगा कि भाई इसके लिए अप्लाई किस क्वालिफिकेशन वाले कर पाएंगे, तो आपके पास जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइनल ईयर में आपके पास। जैसे आप मैथ से अप्लाई करने चाहते हैं तो आपके पास फाइनल ईयर में बीएससी में मैथ होनी चाहिए, तभी आप जो है मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में आपके पास 2 ईयर बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, बीएड आपके पास होना चाहिए और सीटेट आपके पास पास होना चाहिए, सेकंड सीटेट सेकंड पास होना चाहिए, सेकंड लेवल का जो सीटेट एग्जाम होता है वो आप पास करोगे उसी के बाद आपके लिए यहाँ पर आपकी जो है मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो तीन चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, तीसरा आपके पास सीटेट पास होना चाहिए सेकंड में। ठीक है, तो धन्यवाद, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको टीजीटी से संबंध कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।